हेलो फ्रेंड्स, केएम शुगर मिल्स 15 मंथ का चार्ट देखते हैं। तो ये देखिए, पहले 6-7 रुपीस, 8 रुपीस में था, 8-9-10 रुपीस में यहाँ पे आया, फिर 14 का हाई बनाया है। देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये 14 का जो हाई था, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ पिछले अगस्त में, फिर यहां पर भी ब्रेक नहीं हुआ पिछले दिसंबर में, वापस मार्च में ब्रेक नहीं हुआ, और अभी जस्ट रिसेंटली ये ऊपर जाना चालू हुआ है। दूसरी बात एक यहां पर देख लेते हैं, ये जो है वो वॉल्यूम का कैंडल्स है। तो यहां पे देखिए, वॉल्यूम सिर्फ यहां पर थोड़ा है, यहां पर थोड़ा है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है यहां से। ये देखिए, ये पोर्शन में पिछले 3 महीने में अप्रैल एंड से ये इंक्रीज होता है। अब हमने ये लाइन ड्रॉ की है 14 रुपीस पे। अभी आ जाते हैं 4 महीने के चार्ट पर, 3 महीने का चार्ट ले लेते हैं। देखिए वॉल्यूम के कैंडल्स 29 अप्रैल, डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 29 अप्रैल के बाद ही बड़े वॉल्यूम्स के कैंडल देख सकते हैं। अभी हमको एग्जैक्ट अगर देखना है कि वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, डिलीवरी डेटा देखेंगे, और 26 अप्रैल देखिए, 1 जुलाई 2020 से लेके 26 अप्रैल 2021 में 205 दिन ट्रेडिंग हुआ, 205 ट्रेडिंग डेज हुए, और एवरेज ट्रेडिंग क्वांटिटी 3 अंडर 4 लाख शेयर्स, और डिलीवरी होती थी 2 लाख शेयर की। लेकिन 27 अप्रैल के बाद क्या हुआ, 52 ट्रेडिंग डेज हुए। पहले जो प्राइस 14 तक जाती थी, वो 14 के ऊपर ही चली और 39 तक पहुंची है। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए, जो 4 लाख शेयर का होता था वो 6 गुना हो गया, डिलीवरी वॉल्यूम जो 2 लाख शेयर का होता था वो भी 5-5.5 गुना हो गया, यानी कि वॉल्यूम काफी बड़ा है। और उसी वॉल्यूम के चलते अगर प्राइस यहां पर लेके जानी है 14 से लेके 38 तक, या तो बाइंग की वजह से, या तो ऑपरेटर ले रहा है, या तो कोई ट्रेडर्स ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं ये प्राइस को, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं, तो वॉल्यूम तो बढ़ता ही है, ये तो सीधी बात है। अब हमें ये देखना है कि 14 का जब भी हाईएस्ट प्राइस थी, 14 यानी कि एक टॉप था पिछले कई महीनों तक, पिछले 1 साल में, ये 3 महीने छोड़कर, और आज हो गया है 33.60, ये आज की प्राइस है। 3 महीने में ये कितना ऊपर बढ़ा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये डेट और ये कितना परसेंटेज ऊपर बढ़ा है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 29 अप्रैल से आज तक 139% ऊपर गया है शेयर का भाव। 14 रुपीस था और उसका हो गया 33.6। दो सर्किट लग चुकी है, आज सर्किट लगी है 5% की, कल भी सर्किट लगी थी लोअर सर्किट 5% की, दोनों लोअर सर्किट लगी है। अब यहाँ पर एक पैटर्न बनती दिख रही है, देखिए ये हायर टॉप बनाया और यहां पर वापस एक हायर टॉप बनाया है, ये डबल टॉप पैटर्न कहते हैं इसे, एम शेप में। अगर प्राइस इसके नीचे आती है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 27, अगर ये प्राइस यहां पे नीचे आना चालू करती है तो ये एक डबल टॉप पैटर्न कहलाती है, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि भाव फिर नीचे जाना चालू कर देगा और जो तेजी का ट्रेंड है वो मंदी का ट्रेंड हो जाएगा, अगर ये पैटर्न बनती है तो। दूसरी एक बात खास हमको ध्यान में रखनी है कि देखिए, केएम शुगर प्रमोटर्स के पास 65% होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशंस 35% है, यानी कि एफआईआई के पास कुछ भी माल नहीं है, डीआईए के पास नहीं है, एमएफ म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी नहीं है। तो ये जो सारा स्टॉक है, या पब्लिक के पास है या तो प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर्स के पास 65% है। जब भी प्रमोटर्स के पास 65% 70-75% होता है और पब्लिक के पास कम होता है, 35% बहुत कम कह सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस के पास स्टॉक नहीं होता है, तो देखिए अगर ये माल इंस्टीट्यूशंस के पास होगा 10-20%, और उनको लगता है कि ये 14 रुपीज या 10 रुपीज का भाव बढ़कर 20-25-30-35 हो गया है, तो वो यहाँ पे ऑफलोड कर देते हैं। पर जब उनके पास है ही नहीं,
हर बार ऑफलोड नहीं करते, पर उनको अगर लगता है कि ज्यादा हो गया तो ऑफलोड कर सकते थे, क्योंकि उनके पास सब डिटेल रहती है जो हमारे पास नहीं रहती। उनके पास, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कब कितने भाव पे स्टॉक ओवर प्राइस कर सकते हैं, कितने भाव पे ये कोई भी स्टॉक बेचना चाहिए। तो 65% प्रमोटर्स के पास है, 35 पब्लिक के पास, उसकी वजह से ये ऊपर ले जाना कोई भी प्राइस को, कोई भी स्टॉक को इजी हो जाता है। दूसरी बात, ये 2 रुपीज की फेस वैल्यू है केम शुगर, और बुक वैल्यू है 23 रुपीज। लास्ट डिविडेंड दिया है 2007 में, यानी कि डिविडेंड तो नहीं दे रही है कंपनी, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, लेकिन डिविडेंड 13-14 साल से दिया नहीं है। मेरे हिसाब से ये भाव काफी ज्यादा है और ये रिएक्ट करके, करेक्ट करके नीचे जाने की पूरी संभावना है। थैंक यू।